प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। देश की राजधानी दिल्ली में अभी श्रद्धा हत्याकांड की आग बुझी भी नहीं थी कि यूपी में एक बार फिर दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। जी हां, श्रद्धा हत्याकांड को आजमगढ़ में फिर एक बार दोहराया गया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। एक और श्रद्धा की हत्या, यूपी में दोहराया गया श्रद्धा हत्याकांड। आजमगढ़ में लड़की के किए कई टुकड़े, लड़की के कई टुकड़े कर कुएं में फेंका। देश की राजधानी दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड के खुलासे को मात्र 48 घंटे ही हुए थे, अब यूपी के आजमगढ़ जिले में एक युवती का शव मिला है। तकरीबन सुबह वहां पे ग्रामीण पहुंचते हैं और कुएं में झांकते हैं तो उन्हें टुकड़ों में शव दिखाई देता है। तमाम जगह देश में ऐसी वारदातें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं ये भी सबसे बड़ी चुनौती बनती है कि जो मुलजिम है या मुजरिम है उन्हें पकड़ा जाए और उनके मानसिक संतुलन को भी देखा जाए कि आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं। एक तरफ श्रद्धा के जो आशिक थे, प्रेमी थे, उसने 35 टुकड़े किए और फ्रिज भी खरीदा, तो अब ये घटना बहुत बड़ा सामने आती है कि कहीं ना कहीं जो आशिक हैं, जो प्रेमी हैं, उनका मानसिक संतुलन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। आजमगढ़ जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बता दें कि अहरोला थाना क्षेत्र के पश्चिम पट्टी गांव में गौरी का पूरा में सड़क के किनारे कुएं में एक युवती का टुकड़ों में बटा हुआ शव बरामद हुआ है, जिससे आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। इसके साथ ही मौके पर डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम के साथ खुद एसपी ने पहुंचकर जांच की है। मैं अहरोला क्षेत्र अंतर्गत पश्चिम पट्टी गांव के बाहर और 100 मीटर की दूरी से एक कुएं में डेड बॉडी मिलने की सूचना थी। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है, तो बॉडी को बाहर निकाला गया है। किसी अज्ञात महिला का शव है जिसको अलग अलग बॉडी पार्ट्स मिले हैं, अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है और पुलिस के द्वारा इस बॉडी को कब्जे में लेकर शिनाख्त के लिए भेजा गया है। मौके पर फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड सभी को बुलवाया गया है। शिनाख्त कराते हुए आगे की विश्लेषणात्मक कार्रवाई साइंटिफिक तरीके से पूरी की जाएगी। इस तरह से हो रही वारदातों को देखते हुए इलाकाई लोग सहमे हुए हैं। बता दें कि पश्चिम पट्टी गांव के गौरी का पूरा की ओर लोग सुबह शौच करने के लिए निकलते थे। उन्हीं लोगों में से किसी ने कुएं में झांका तो जो देखा उसे देखकर होश उड़ गए। कुएं के अंदर एक युवती को काट कर टुकड़ों में फेंका गया था। देखते ही देखते मौके पर काफी तादाद में भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई। वहां पर मौजूद लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कुएं से बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है तो ये क्लियर नहीं हो पाएगा। बाकी डिटेल शिनाख्त होने के बाद उसके बाद क्लियर हो पाएंगे और बाकी जो भी एविडेंसेज यहाँ से मिले हैं उनको अभी फॉरेंसिक टीम पहुँच के कलेक्ट करेगी। सभी सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा मौका देख लिया गया है, हम लोग घटना का बहुत जल्दी खुलासा करेंगे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक युवती की उम्र लगभग 22 साल की बताई जा रही है। पुलिस शव का शिनाख्त का प्रयास कर रही है लेकिन उसकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो सकी है। इस हत्याकांड में दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल ये तो तभी साफ हो पाएगा जब पुलिस की तरफ से की जा रही तहकीकात पूरी हो जाएगी। हालांकि अभी तक जो युवती है जिसकी लाश मिली है, जिसकी बॉडी मिली है, कई टुकड़ों में मिली है कुएं के अंदर, उसकी अभी पहचान नहीं हो सकती है, ना ही कोई शिनाख्त हो सकती है पुलिस के द्वारा। अब देखना ये भी सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी चुनौती है कि आजमगढ़ पुलिस इस हत्या का खुलासा कब तक करती है और जो इस हत्या के पीछे जो लोग जुड़े हैं और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि युवती की हत्या है वो शायद दुष्कर्म करने के बाद की जा सकती है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी आजमगढ़ पुलिस के पास एक सबसे बड़ी चुनौती होगी कि कब तक वो हत्या का और हत्यारे का खुलासा करके सबके सामने रखती है। कैमरामैन नीरज के साथ सागर थापा, प्राइम टीवी लखनऊ। फिलहाल हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।